डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। नगर निगम चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां प्रचार करने मैदान में उतरी हैं, लेकिन देखा जाए तो भाजपा से मेयर प्रत्याशी हरिकांत अहलूवालिया का प्रचार बारिश में भी नहीं रुका। उन्होंने छाता लगाकर तमाम इलाकों में जनसंपर्क किया। सिर्फ अहलूवालिया ही नहीं, उनके साथ विधायक सोमेंद्र तोमर, सांसद राजेंद्र अग्रवाल वे तमाम भाजपा नेता और कार्यकर्ता प्रचार प्रसार में जुटे हैं। भाजपा के धुआंधार प्रचार में काफी तादाद में भीड़ देखी जा रही है। संभावना जताई जा रही है एक बार फिर से मेयर की सीट पर हरिकांत अहलूवालिया का कब्जा हो सकता है। आज भाजपा मेयर प्रत्याशी हरिकांत अहलूवालिया ने खड़ोली में, पठानपुरा, पावटी, रोहटा रोड की कॉलोनियों में वार्ड के प्रत्याशियों के साथ वार्ड 38, 12, 22, 25, 47, 78 और 69 में डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान महिलाओं व बुजुर्गों ने हरिकांत अहलूवालिया को तिलक कर और माला पहनाकर स्वागत किया। सभी वर्गों के लोगों ने प्रत्याशी पर पुष्प वर्षा की और निकाय चुनाव में विजयी होने का आशीर्वाद दिया। मेयर प्रत्याशी हरिकांत अहलूवालिया ने जनसंपर्क के दौरान लोगों से कहा कि शहर का विकास तभी पूरी तरह संभव होगा जब शहर में मेयर अपना होगा। साथ ही उन्होंने बोला कि मेरठ को स्वच्छ और साफ रखने तथा शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार करने के क्षेत्र में काम करेंगे। आगे उन्होंने कहा, हमारी केंद्र व प्रदेश सरकार के विकास कार्यों को देखकर भारतीय जनता पार्टी को आमजन का अपार जन समर्थन मिल रहा है। आज चुनाव प्रचार के दौरान सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने यह कहा, मेरठ महानगर के प्रथम पार्षद लेकिन एक बात तुम्हें कहना चाहता हूं कि 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में एक परिवर्तन का नया दौर प्रारंभ हुआ। राजनीति की परिभाषा बदली, सत्ताधिष्ठान की परिभाषा बदली, सत्ता का एजेंडा सेवा हुआ, सत्ता का एजेंडा विकास हुआ। इससे पहले और बहुत सारी बातें होती थी, ये नहीं था, थोड़ा बहुत तो काम होता ही। पहले कोई ऐसा प्रधानमंत्री हमको मिला जिसने स्वयं को प्रधान सेवक घोषित किया और जिसने अखंड परिश्रम करते हुए एक रुपया चलता था तो 15 रुपए से नहीं पहुंचे, एक रुपया चलता था 1 रुपया ही पहुंचता था। उन्होंने सत्ताधिष्ठान को, राजनीति को एक दिशाली, सबका साथ सबका विकास, वोट बैंक राजनीति मुक्ति इत्यादि, और उन्हीं के इस विजन के परिणाम स्वरूप 2017 में विधानसभा चुनावों में भी उत्तर प्रदेश की जनता ने भरपूर आशीर्वाद भाजपा को दिया तथा आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार। अब इन दोनों सरकारों ने अपने अपने क्षेत्र में जबरदस्त काम किया, प्रधानमंत्री ने पूरे देश में और मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में। यदि मैं ऐसा कहूं कि विकास के कामों से मेरठ की झोली दोनों में भर दी, सोतीगंज का जिस महापुरुष ने इलाज कर दिया उनके साथ पूरा मेरठ खड़ा नहीं होगा तो कैसे बात करेंगे। जिन प्रधानमंत्री ने हमको हाईवे दे दिए, रैपिड रेल दे दी, उनके साथ पूरा का पूरा मेरठ खड़ा नहीं होगा तो कैसे बात है। ठीक है, तो पूरी शान के साथ हम लोग यहाँ मोटिवेटर्स हैं, मोबिलाइजर्स हैं, हम यहाँ पर हमें एक व्यक्ति भी एक एक संस्था है। हमारा प्रभाव क्षेत्र बहुत विस्तृत है, उस संपूर्ण प्रभाव क्षेत्र के अंदर अपने अपने जो संबंध है, अपने जो सरोकार हैं,
रेखांकित करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को मोटिवेट करें और मतदान प्रतिशत बढ़े और प्रत्येक वोट भारतीय जनता पार्टी को 11 तारीख को पड़े। पार्षद जीते, महापौर जीते, मूल बहुमत हो तो क्या तो बहुमत उसके अंदर हो ताकि कार्यकारिणी को झंझट ना आए और सब प्रकार से कार्य संपादन के अंदर आसानी रहे, ये हमको करना है। आप सब सक्षम हैं, आप सब प्रेरक हैं। मैं आपको प्रणाम करते हुए इसी आशा के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सुबोध जी भाई साहब जो संचालन कर रहे हैं, मेरा यही आग्रह है कि अपने से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सभी को इस मेरठ की सरकार बनाने के लिए सभी को आग्रह करना है। योगी जी क्या काम कर रहे हैं, मोदी जी क्या काम कर रहे हैं, पूरे देश का समर्थन योगी जी और मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आपका आशीर्वाद मिले, हमारे मेयर साहब आदरणीय हरिकांत अहलुवालिया जी ऐतिहासिक जीत प्राप्त करें और हमारे सभी सभासद भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा सदन यहाँ पर प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।